हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 25% के प्रॉफिट पर बेची जाती है, यदि उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दो गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले देखेंगे 25% क्या होता है, 1/4 होता है। यहाँ से अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, 4/1 का प्रॉफिट यानी कि 5 में बेचेगा। अब कह रहा है कि मैं सेलिंग प्राइस को दो गुना कर दूँ यानी डबल कर दूँ, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, केवल सेलिंग प्राइस को किया है। तो यहाँ पर 4 तो 4 रहेगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको कैंसिल किया, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10। भाई देखो, 2 तो इसकी कॉस्ट प्राइस है और 5 इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कितना है, 3 बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट कितना है, 3 का है। किस पर है, 2 पर, इंटू 100। 2 से कितने टाइम कट गया, 50 टाइम्स। 50 इंटू 3 करेंगे तो 150%, 150% का क्या हो गया भैया, पर प्रॉफिट हो गया। इस तरह की मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।